हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। दोस्तों, आज हम करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हमारा चैप्टर सेकंड है। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन पे एक लेसन कर चुके हैं, जो कि है साइकोलॉजी इंट्रोडक्शन। ओके, वहां पर हमने पता किया कि साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है, किन किन शब्दों से बना है, सबसे पहले मनोविज्ञान का प्रयोग किसने किया। इस तरह से कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारा चैप्टर सेकंड, जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर चाहिए किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए। DTPLS भी है, CTET है, UPTET है, HTET है, या किसी भी स्टेट का, अदर स्टेट का कोई भी टीचिंग एग्जाम है, वहां पर जब साइकोलॉजी आती है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट सबसे। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे कि यूजफुल है तो लाइक करें। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की। मीनिंग मतलब कि अर्थ, यानी कि हम सामान्य अर्थ की बात करते हैं जो वृद्धि और विकास से लिया जाता है, ठीक है? ग्रोथ यानी कि वृद्धि और डेवलपमेंट यानी कि विकास। अब हम अगर सामान्य रूप से देखें तो जो वृद्धि और विकास होती है, हम समझते हैं कि ये दोनों एक ही चीजें हैं, यानी कि हम वृद्धि को विकास और विकास को वृद्धि समझने में गलती कर बैठते हैं। ओके, सामान्य तौर पर अगर बच्चे की हाइट बढ़ रही है तो हम कहते हैं उसका विकास हो रहा है। बिल्कुल ये सत्य नहीं है, जबकि क्योंकि सच्चाई क्या है कि अगर बच्चे की हाइट बढ़ रही है और उसमें किसी तरह का विकास नहीं दिख रहा है, सिर्फ शारीरिक विकास उसमें है, तो इसका तात्पर्य है कि बच्चे की वृद्धि हो रही है। और अगर शारीरिक विकास के अतिरिक्त उसमें सामाजिक, मानसिक रूप से या फिर संवेगात्मक रूप से विकास दिखाई देता है, परिवर्तन जो दिखाई देते हैं, उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट या विकास। ओके, तो ये हमने समझा सामान्य अर्थ। एक इसी के अंतर्गत दूसरी चीज, हमारा जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और वृद्धि जो है वो एक समय के बाद रुक जाती है। ये डिफरेंसेस में भी आ सकते हैं। ओके, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि जो विकास है वो बच्चे में कब से शुरू हो जाता है? गर्भावस्था से, ठीक है, पूर्व प्रसवावस्था या प्रीनेटल स्टेज, ओके, इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं हम, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, इस तरह से कि बच्चे का विकास कब शुरू हो जाता है, बच्चे में वृद्धि कब शुरू हो जाती है। तो जो ये विकास की प्रक्रिया है बच्चे में, वो प्रीनेटल स्टेज में ही शुरू हो जाती है, यानी कि बच्चा जब जायगोट होता है, ठीक है, ये प्रीनेटल की 3 स्टेजेस होते हैं ना, जायगोट, एम्ब्रियो एंड फिटस। ओके, तो यहां से लेकर यहां तक की जो प्रक्रिया आती है फिटस तक की, या फिर उसके बाद जन्म लेने की जो प्रक्रिया होती है, वहां क्या होता है, विकास बच्चे में होता रहता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। हम 2 महत्वपूर्ण परिभाषाएं लेकर चलते हैं, सिर्फ 2 ही परिभाषाएं लेंगे हम, ज्यादा नहीं लेंगे। पहली है स्किनर की। स्किनर की जो परिभाषा है वो है विकास से रिलेटेड, ठीक है, विकास की परिभाषा दी है स्किनर ने। इन्होंने कहा है कि जो जीव है और जो वातावरण है उसकी अंत्यक्रिया का प्रतिफल, यहाँ पर होगा प्रतिफल, ठीक है। जीव यानी कि हम जो व्यक्ति है, एनवायरमेंट जो जहां हम रह रहे हैं, हमारे चारों तरफ का जो पर्यावरण है, जो आवरण है, जो वातावरण है, उसके बीच जो अंत्यक्रिया होती है उसका ही प्रतिफल क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। ओके, और एक डेफिनेशन ली है हमने फ्रैंक के अनुसार। फ्रैंक के अकॉर्डिंग वृद्धि की परिभाषा है ये। फ्रैंक ने क्या कहा है कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में होने वाला परिवर्तन, यानी कि हमारे शरीर जो हमारी बॉडी है उसमें कोई परिवर्तन आ रहा है, जैसे हमारी हाइट बढ़ना, उंगलियां छोटी से बड़ी होना, बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका चलना, दौड़ना, बोलना, इस तरह से जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, वृद्धि कहलाते हैं। आई होप यहां तक आपको वृद्धि और विकास की प्रक्रिया जो है वो समझ आ गई होगी।
अब बात करते हैं हम इसके जो महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण विषय है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच, इसके बीच अंतर को जानना। ठीक है, अगर आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच डिफरेंस समझ आ गया तो समझो आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहले हमारी है शारीरिक, ठीक है, यहां पर हम ग्रोथ की बात करेंगे और यहां पर हम डेवलपमेंट की, यानी कि वृद्धि की, और यहां पर हम विकास की बात करेंगे। ओके, ये हम पहले अर्थ समझते हुए, परिभाषा समझते हुए डिफाइन कर चुके हैं कि जो वृद्धि होती है वो शारीरिक प्रक्रिया है, ठीक है, शारीरिक विकास है, शरीर में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें हम डेवलपमेंट की या विकास की, तो क्या होगा, जो शरीर के अतिरिक्त, यानी कि शारीरिक परिवर्तन के अतिरिक्त, मानसिक, संवेगात्मक, ओके, उसके अलावा सामाजिक, जितने भी तरह के परिवर्तन आते हैं व्यक्ति में जो हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है, यानी कि उनको हम जिस तरह से हम शारीरिक विकास को देख सकते हैं, माप सकते हैं, बाकी ये जो होते हैं आंतरिक विकास, इनको हम देख या माप नहीं सकते, ठीक है, तो वे हमारे विकास के अंतर्गत आते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा निश्चित समय। यहाँ पर हम बात कर चुके हैं कि जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित समय के लिए होती है, यानी कि एक समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। हमने यहाँ पर बात की सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास की। शारीरिक विकास से तात्पर्य है हमारा कि हमारा जो हाइट है वो एक समय के बाद रुक जाती है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ छोटा बेबी है, फिर थोड़ी सी और हाइट बढ़ी इस तरह से और यहाँ पर आकर रुक गई, ये हमारी वृद्धि है। विकास होता है हमारा शारीरिक तो है ही, उसके साथ ही समाज का दायरा, छोटा बच्चा होता है अपने आप में रहता है, फिर फैमिली के मेंबर्स, फिर वो फ्रेंड सर्कल बनता है, फिर वो स्कूल जाना शुरू करता है, यानी कि उसका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी सोशल ग्रोथ हो रही है। ओके, तो इस तरह से ये हमारा क्या आ जाएगा, डेवलपमेंट आ जाएगा, ये हमेशा चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये रुक जाती है एक समय के बाद, ठीक है, और ये जीवन पर्यंत चलती है, जीवन पर्यंत के साथ साथ जन्म से पहले शुरू होती है और जन्म के बाद तक, यानी कि मृत्यु तक चलती रहती है। जन्म से पहले और मृत्यु तक। ओके, क्यों, क्योंकि स्कूल में जब हम जाते हैं तो हमारे अलग फ्रेंड्स होते हैं, आस पड़ोस के दोस्त अलग होते हैं घर के, फिर थोड़े बड़े होते हैं कॉलेज में जाते हैं अलग फ्रेंड होते हैं, जॉब करते हैं अलग फ्रेंड होते हैं, यानी कि हमारा जो सामाजिक जो दायरा है वो बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारा जो सामाजिक विकास हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से हमारे संवेगात्मक जो हम महसूस करते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन आते हैं हमारे अंदर, ठीक है, किशोरावस्था में इसी परिवर्तन की वजह से, शारीरिक और संवेगात्मक परिवर्तन की अधिकता की वजह से इसको झंझावत का काल भी कहा गया है, कठोर काल भी कहा गया है। ओके, अगला है, तीसरा पॉइंट है हमारा शरीर में होने वाले परिवर्तन, ये हम यहाँ भी बात कर चुके हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शरीर में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं, वृद्धि होती है। इसके अलावा व्यवहार में परिवर्तन को क्या कहेंगे हम, व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम कहेंगे विकास। ओके, नेक्स्ट चलते हैं मात्रात्मक, यानी कि जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था, इसको हम माप सकते हैं, क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है, यानी कि हम बता सकते हैं कि जब बच्चे का जन्म हुआ था तो उसकी हाइट इतना थी, फिर 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, अब इतनी हो गई है, ठीक है, इस तरह से हम इसका सही मापन कर सकते हैं, निश्चित मापन होता है। इसके बाद हमारी आती है विकास। अगर विकास की बात करें तो देखिए, यहां हमने बात किया था कि विकास में हमारा मानसिक, शारीरिक के साथ साथ मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास भी आता है, तो इसके लिए कोई यंत्र नहीं है कि इसको मापा जा सके, लेकिन फिर भी साइकोलॉजिस्ट ने कुछ टेस्ट बनाए हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चनेयर्स है, उनके जरिए हम इसको मापते हैं, बाकी ये क्या होता है, क्वालिटेटिव, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव होता है तो ये क्वालिटेटिव होता है। ओके, इसको जो सही जो रिजल्ट होता है वो नहीं हम प्राप्त कर सकते,
इसके अलावा वृद्धि जो होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी कि एक दिशा की ओर बढ़ती जाती है। मान लीजिए अगर हम ग्राफ पे देखते हैं तो ग्राफ हमारा इस तरह से बनेगा, ये एक्स और ये वाई, ओके। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो इस तरह से बनेगा, जबकि जो विकास है वो पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी होता है, ठीक है। यानी कि हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं, अब हमारे व्यवहार में जरूरी तो नहीं है कि सारे पॉजिटिव ही चेंजेस आए, हम बहुत कुछ अच्छा ही सीखते चले जाएं, कुछ चीजें हम नेगेटिव भी सीखते हैं, ठीक है, जो हमें विकास में बाधक भी हो सकती है, विकास को इफेक्ट भी करती है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से होता है, और वृद्धि जो होती है वो पॉजिटिव ही होती है। जैसे विकास में हम देख सकते हैं कि बच्चा एक टाइम पे बहुत खुश रहता है, उसका सामाजिक जो सर्कल होता है काफी बड़ा रहता है, फिर क्या होता है कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि बच्चा डिप्रेशन में चला गया या अकेलापन उसको पसंद आने लगा, वो अकेला रहने लग गया, तो उसको क्या हो गया, सोशल ग्रुप से वो दूर होता चला जाता है, ठीक है। ये सब चीजें इसके विकास में आती है। दूसरा अगर हम स्टेजेस की बात करें तो जैसे स्टार्टिंग में चाइल्डहुड स्टेज है, अर्ली चाइल्डहुड है, तो इस तरह से उसके बाद एडोलसेंस में आकर वो अलग बिहेव करने लग जाता है, ठीक है। ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है अनफ्लेक्सिबल, यानी कि अलचीला। जो वृद्धि होती है वो परिवर्तनशील नहीं है, यानी कि बच्चे की जो हाइट बढ़ रही है तो वो उतनी ही बढ़ेगी, हम उसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन विकास जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ओवरऑल, ओवरऑल से तात्पर्य है सभी तरह का परिवर्तन, व्यवहार में हर तरह का परिवर्तन जो होता है वो ओवरऑल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। हम उसमें सुधार कर सकते हैं, हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं साइकोलॉजिस्ट के ही, जैसे थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया और उसको या फिर पेवलोव का ले सकते हैं, उन्होंने डॉगी पे किया रिइंफोर्समेंट दिया और उसके व्यवहार में परिवर्तन किया, लार टपकाना, इस तरह से घंटी को संबंध करके, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में होता है, हम अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। हम कई बार क्या करते हैं, बच्चा किसी गलत रास्ते पर चलता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसके व्यवहार को परिवर्तित किया जाए। बच्चा छोटा होता है, कुछ चीज देखता है, उसको सीखता है, बहुत सी अच्छी चीजें भी सीखता है, बहुत सी गलत चीजें भी सीखता है जिसको सोसाइटी अलाउ नहीं करती। तो हम ऐसे तरीके अपनाते हैं कि बच्चा उस व्यवहार को छोड़ दे और आगे बढ़े, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये अनफ्लेक्सिबल होता है वृद्धि और फ्लेक्सिबल होता है डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा एक्सीडेंटल, यानी कि जो ग्रोथ है वो एक्सीडेंटल प्रक्रिया होती है, अकस्मात होने वाली प्रक्रिया है। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं कि किसी बच्चे के शारीरिक जो विकास है वो नहीं हो रहा है, यानी कि बच्चा हाइट नहीं ग्रो कर रहा है, ठीक है, और एज उसके बढ़ते जा रही है। तो कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग से ही एज इक्वल रेशियो में हाइट बढ़ाना शुरू करती है, कुछ बच्चों का होता है कि अभी हाइट बढ़ी फिर स्टॉप हो गई, कई सालों के बाद फिर एकदम से हाइट ग्रो कर गई, ठीक है। तो ये होता है अकस्मात परिवर्तन। इसके बाद हम बात करते हैं एक और चीज, वृद्धि क्या है, वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, ओके, वृद्धि विकास का एक हिस्सा है। इसको साफ कर देती हूँ एक बार। मान लीजिए क्यों इसका हिस्सा क्यों है, क्योंकि वृद्धि के अंतर्गत आता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, और वृद्धि क्या है, सिर्फ और सिर्फ शारीरिक। तो क्या हुआ, वृद्धि विकास के अंतर आ गई ना, ठीक है। और अब बात करते हैं वृद्धि और विकास, एक चीज दूसरी, एक डिफरेंस इसके अंतर्गत ये है कि जो वृद्धि है वो विकास के बिना संभव है, ठीक है। यानी कि बच्चा सोशल डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, मेंटली वो एक्टिव नहीं है, इमोशन का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस है यानी कि उसका शारीरिक विकास हो रहा है मेंटली, ये स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। बच्चे में विकास नहीं हो रहा है लेकिन उसका ग्रोथ हो रही है,
ठीक है, बच्चे की हाइट बढ़ रही है लेकिन मेंटली वर्क नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया कि वृद्धि अकेले भी हो सकती है, विकास का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह से क्या होता है कि बच्चे की हाइट कम है लेकिन उसका सोशल ग्रुप है, उस इमोशनली वो काफी अटैच्ड है, ठीक है, इमोशंस काफी तरह के रखता है बंदा बच्चा। और उसके अलावा हमने तीसरी बात की थी, सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, मेंटली हो गया, यानी कि बच्चा पढ़ने में भी तेज है, क्रिएटिव है, क्रिएटिव है काफी, ठीक है, लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। काफी आपने ऐसे एग्जांपल देखे होंगे कि कम हाइट में भी बच्चे बहुत आगे तक पहुंचते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है लेकिन उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो आई होप ये यहां तक आप डिफरेंस इसका समझ गए होंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। नेक्स्ट हम करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, सामान्य नियम जो है, यानी कि हर बच्चे की जो ग्रोथ होती है, जो डेवलपमेंट होता है, वो एक ही तरह का होता है। कुछ चीजें जनरलाइज होती हैं कि चाहे वो किसी भी क्षेत्र विशेष, किसी जाति विशेष, किसी देश विशेष अगर मान के चले, तो कहीं पर भी है उसकी जो नियम है विकास के, वो सामान्य होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लेसन में इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम करेंगे प्रिंसिपल्स, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कुछ प्रिंसिपल्स की मैं बात करती हूँ, जैसे जो विकास होता है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का गुणात्मक संबंध होता है, ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसी तरह से उसके अलावा जो हम बात करेंगे प्रोक्सीमेडल और जो सिरोपोच होती है, यानी कि जो विकास होता है उस किस दिशा में चलता है, ठीक है, और कौन कौन से उसके दो पार्ट होते हैं, और उसके अलावा काफी सारे नियम है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।